हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चपली कबाब बनाने की रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है उतना ही लाजवाब इसका टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मटन का कीमा। हमने यहाँ पर रेगुलर फेट के साथ वाले मटन मिंस का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून अमचूर, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 4 बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च, 1 अंडा, 2 मीडियम साइज की कद्दूकस की हुई प्याज जिसके पानी को हमने अच्छे से निकाल लिया है, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चार टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। हमने यहाँ पर जो भुना हुआ बेसन और अंडा लिया है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। और 2 टेबलस्पून तेल। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हम इसे मैरिनेट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने अंडे और भुने हुए बेसन का इस्तेमाल किया है जो बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। अगर आप चाहो तो इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हो। तो कबाब बनाने से पहले हम अपने हाथों पर अच्छे से तेल लगा लेंगे। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हमें कबाब बना लेने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी ईद का मौका है, घर पर मेहमानों का आना जाना लगा ही रहेगा। ऐसे में इंस्टेंट चपली कबाब आप अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा एक कबाब बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सारे कबाब को बना लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने तवे पे 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इस पर कबाब ऐड करके इनको सेलो फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर कबाब को एक तरफ से फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। अब हम इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के कबाब को भी इसी तरह से फ्राई करके सर्व करेंगे। हमने 500 ग्राम कीमे में से इस साइज़ के 10 कबाब बनाए हैं। तो खाने के लिए तैयार है हमारे चपली कबाब। देखा आपने इसकी रेसिपी कितनी आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।